नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित निकेतन अनिल जोशी आपका एक बार फिर से करता हूँ स्वागत हमारे इस YouTube चैनल में और इस नए स्टूडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि आज होने वाला है हमारी टीम इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच में पहला T20 मुकाबला। इस मुकाबले में विनर कौन होगा, ड्रीम 11 टीम कौन सी होगी, साथ ही प्लेइंग 11 क्या होगी, टॉस कौन जीतेगा, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में पूरी मिल जाएगी। तो वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि हर एक मिनट इस वीडियो का महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपको मैच के प्रेडिक्शन, टॉस की जानकारी, विनर का पता कुछ मिनट पहले चल जाए तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर क्रिकेट एक्सपर्ट से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जो काम काफी बढ़िया है। आपको मैच की प्रेडिक्शन और साथ ही विनर कौन होगा यह व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम के माध्यम से प्रेडिक्शन देते हैं, तो इनका नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख रखा हूँ, वहां से इनका नंबर ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले डेट की बात कर लेते हैं। 7 जुलाई आज के डेट है, दिन गुरुवार है, ठीक है। दो टीमें हैं, एक ओर हमारी इंडिया है, वहीं दूसरी ओर इंग्लैंड की टीम है। इंडिया की बात करें तो इनका जो स्वामी है शुक्र स्वामी है, इंग्लैंड का भी स्वामी शुक्र है। शुक्र और गुरु आपस में शत्रु है, तो दोनों ही टीमों को एक नेगेटिव पॉइंट जाएगा। अब मैदान में उतर चुके हैं हिटमैन यानी कि रोहित शर्मा, वापस आ चुके हैं इंडिया कप्तानी करने के लिए, और वहीं उनके सामने रहेंगे जोस बटलर, जो कि बहुत ही तड़कते भड़कते फॉर्म में चल रहे हैं। आईपीएल की बात करें या फिर दोस्तों डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करें, जोस बटलर का बल्ला लगभग हर मैच में बोला है, और अभी फिलहाल में जब इंग्लैंड ने वनडे इंटरनेशनल में 490 के ऊपर रन बनाए थे, उसमें जोस बटलर का जो बल्ला था तूफान उगला था। तो दोस्तों, इस मैच में क्या होगा, क्योंकि मैच होने वाला है इंग्लैंड में और ग्राउंड कंडीशन इंग्लैंड की टीम को बेहतर पता होगी, लेकिन दोनों के ही स्वामी शुक्र है और बटलर के स्वामी शनि है, तो शत्रु स्वामी है आज के दिन के, यानी कि दोनों ही टीमों को दो दो नेगेटिव पॉइंट चले गए हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि अंक ज्योतिष क्या कहता है। आज का जो लकी नंबर 7 और आज का जो भाग्यांक भी 2 है, यानी कि आज मूलांक 7 है और भाग्यांक 2 है, तो मूलांक और भाग्यांक के हिसाब से आज आपको टीम इंडिया को एक पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिलेगा, यानी कि आज के मुकाबले में शायद टॉस जो है वो हमारी टीम इंडिया जीत सकती है। बट मुकाबला कौन जीतेगा वो जानने के पहले हम जान लेते हैं 11 प्लेयर कौन से हैं जो इस टीम की तरफ से खेल सकते हैं, यानी कि हम प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 दोनों ही टीमों की जान लेते हैं। दोस्तों, हमारी टीम इंडिया में से हम जो ओपनर है उसमें देख सकते हैं रोहित शर्मा और ईशान किशन ओपनिंग कर सकते हैं। मिडिल ऑर्डर की हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको दीपक हुड्डा, सूर्य कुमार यादव और साथ ही दिनेश कार्तिक देखने को मिल सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों लोअर मिडिल ऑर्डर की। हाँ, एक और बात है कि संजू सैमसन इस टीम में ऐड हो जाएंगे, यानी कि दिनेश कार्तिक खेलेंगे लोअर मिडिल में और संजू सैमसन आ जाएंगे मिडिल ऑर्डर में। तो दोस्तों, संजू सैमसन आ गए मिडिल ऑर्डर में, लोअर मिडिल आपको हार्दिक पांड्या और दिनेश कार्तिक की जोड़ी एक बार फिर से देखने को मिल सकती है। बात करें गेंदबाजी की तो गेंदबाजी में 4 गेंदबाज में हमारे हर्षल पटेल, भुवनेश्वर कुमार और युजवेंद्र चहल, और एक गेंदबाज जो रहेगा वो या तो अर्शदीप हो सकते हैं या फिर दोस्तों आवेश खान हो सकते हैं, तो हम जाएंगे अर्शदीप सिंह के साथ, शायद अर्शदीप सिंह को मौका मिलेगा आज खेलने का। तो दोस्तों, ये हो गया हमारी टीम इंडिया की प्लेइंग 11। अब बात करें इंग्लैंड की प्लेइंग 11 की, इनकी क्या हो सकती है। दोस्तों, इंग्लैंड की प्लेइंग 11 में आपको ओपनिंग करते हुए एच ब्रूक और जेसन रॉय ओपनिंग कर सकते हैं। मिडिल ऑर्डर की बात करें तो यहाँ पे आपको काफी तूफानी बैट्समैन लाइम लिविंगस्टोन, मोइन अली और साथ ही सैम करन या जोस बटलर देखने को मिल सकते हैं। तो जोस बटलर तो पहले आएंगे, सैम करन बाद में आएंगे, तो जोस बटलर यहाँ पे मिडिल ऑर्डर में देखने को मिल सकते हैं। बात करते हैं लोअर मिडिल ऑर्डर की तो यहाँ पर आपको सैम करन और पी सॉल्ट देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं गेंदबाजों की, तो 4 मुख्य गेंदबाज इनके रहे क्रिस जॉर्डन, डेविड विली, टाइमल मिल्स और साथ लास्ट में एम पार्किंसन देखने को मिल सकते हैं। तो ये हो गए हमारे दोनों ही टीमों की संभावित प्लेइंग 11। अब दोस्तों बात करते हैं कि विनर इस मुकाबले में कौन हो सकता है। तो दोस्तों, बाय एस्ट्रोलॉजी, बाय न्यूमरोलॉजी और सारे फैक्ट को देखते हुए इस मुकाबले में हमारी टीम इंडिया विन कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, टीम इंडिया विनर होगी। एक बात मैं और फिर से कह दूं, यदि आप चाहते हैं कि आपको मैच की प्रेडिक्शन, टॉस की जानकारी कुछ मिनट पहले चल जाए, तो एक बार फिर से स्क्रीन पर दिए गए नंबर क्रिकेट एक्सपर्ट से कॉन्टेक्ट करिए, काफी अच्छा काम है और आपको मैच की प्रेडिक्शन एक्यूरेट प्रोवाइड करते हैं। चलिए बात करते हैं ड्रीम 11 टीम इस मैच में क्या होगी। तो दोस्तों, ड्रीम 11 टीम ये दोनों टीमों की मिक्स टीम होती है, कौन सी टीम में ज्यादा अंक हासिल करेगी देखते हैं अभी आगे। तो दोस्तों, ड्रीम 11 की टीम में विकेटकीपर पहले हम चूज करेंगे जोस बटलर को। जी हाँ, जोस बटलर रहेंगे हमारे विकेटकीपर बैट्समैन। अब बात करते हैं दोस्तों बैट्समैन की, तो ड्रीम 11 की टीम में बैट्समैन हम पिक करने वाले हैं लाइम लिविंगस्टोन को, पिक करने वाले हैं रोहित शर्मा को, पिक करने वाले हैं ईशान किशन को, पिक करने वाले हैं दोस्तों दीपक हुड्डा को और जेसन रॉय को भी आज हम पिक करने वाले हैं। बात करते हैं ऑलराउंडर की, तो यहाँ पे हम पिक करने वाले हैं मोइन अली को और हार्दिक पांड्या को, दो ऑलराउंडर हमारी टीम में रहेंगे बैलेंस बनाने के लिए। बात करते हैं गेंदबाजों की, तो यहाँ गेंदबाजी में हर्षल पटेल को हम पिक कर लेते हैं, हर्षल पटेल, युजवेंद्र चहल और क्रिस जॉर्डन को पिक कर लेते हैं। तीन बॉलर हमारे रहेंगे हर्षल पटेल, युजवेंद्र चहल और क्रिस जॉर्डन, ये रहेंगे हमारे गेंदबाज। तो दोस्तों, अब मुख्य मेन टॉपिक में आते हैं, कैप्टन कौन होगा, वाइस कैप्टन कौन होगा।
दोस्तों कैप्टन के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मुझे कैप्टन रखना है ईशान किशन को, या तो कैप्टन रखना है जेसन रॉय को। अब बात करते हैं वाइस कैप्टन की, तो दोस्तों यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेंगे, या तो युजवेंद्र चहल या फिर आपको क्रिस जॉर्डन को वाइस कैप्टन रखना चाहिए। बट मैं यहाँ पे कुछ डिफरेंट करने वाला हूँ, मैं रखने वाला हूँ कैप्टन ईशान किशन को और वाइस कैप्टन रखने वाला हूँ जेसन रॉय को। तो दोस्तों आपका प्रेडिक्शन क्या है कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिए। धन्यवाद।